दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है बेनकाब। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे संजय दत्त, सनी देओल, संगीता बिजलानी, मंदाकिनी और सोनम। इसके अलावा इस फिल्म को म्यूज़िक दिया था अनु मलिक ने और इस फिल्म के डायरेक्टर थे पवन अरोड़ा। तो दोस्तों, ये बात है साल 1988 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़ी आइकॉनिक कास्ट के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म को संजय दत्त और सनी देओल लीड करने वाले थे, और ये फिल्म इन दोनों की साथ में पहली फिल्म होने वाली थी। और देखा जाए तो इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री और टीम काफ़ी दिलचस्प है, जहाँ संजय दत्त की स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक स्क्रीन प्रेजेंस सनी देओल की दमदार डायलॉग डिलीवरी और पावरफुल अप्रोच के साथ काफ़ी सूटेबल दिखाई देती है, जिसकी मिसाल हमें क्रोध और योद्धा के साथ साथ क्षत्रिया जैसी मूवीज़ में भी देखने को मिली है। और इसके अलावा फ़ैन फॉलोइंग की बात करें, तो लेट 80s के हिसाब से ये दोनों एक्टर्स मास ऑडियंस में काफ़ी पॉपुलर थे, जिनका फैंडम काफ़ी हद तक सिमिलर था। और मेरे ख़्याल से साल 1988 में इन दोनों का एक साथ आ जाना ही फैंस के लिए बेहद दिलचस्प और यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता था। और देखा जाए तो मेकर्स ने बेनकाब फिल्म को साल 1988 में डायरेक्टर पवन अरोड़ा के साथ अनाउंस किया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ कर दिया गया था। मगर ये फिल्म भी उन्हीं बदनसीब फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई, जो कुछ टाइम की शूटिंग के बाद बंद कर दी गईं। और इस फिल्म की भी तकरीबन 30 से 40% तक शूटिंग कंप्लीट कर ली गई थी, मगर इससे आगे ये फिल्म एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई और हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई, और ऐसे एक पोटेंशियल मास एक्शन फिल्म बनते बनते रह गई। तो दोस्तों, बेनकाब मूवी के बारे में आप सबकी क्या राय है कि संजय दत्त और सनी देओल की ये मूवी अगर उस टाइम पे पूरी कंप्लीट हो के रिलीज़ हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।